सब्सक्राइब कीजिए सोनल की रसोई चैनल को और बेल आइकन को दबाइए न्यू रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, आप सभी की रिक्वेस्ट थी कि मैं आपके साथ सैंडविच की रेसिपीज शेयर करूं। तो ये है मेरी फर्स्ट सैंडविच की रेसिपी। ये है आलू सैंडविच, सिंपल आलू सैंडविच, लेकिन इसमें जो आलू की फिलिंग है उसमें हम ट्विस्ट देंगे, क्योंकि सैंडविच में जो टेस्ट आएगा उस फिलिंग के कारण ही आएगा। तो दोस्तों, ये फिलिंग मैंने कैसे बनाई है इसकी रेसिपी आप ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है सोनल, आप आए हैं सोनल की रसोई में, चलिए शुरू करते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले हम फिलिंग रेडी कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने 4 उबले हुए आलू लिए हुए हैं और आलू को हम छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे, ज़्यादा बारीक मैश नहीं करना है। ये देखिए, आलू को मैंने तोड़ लिया है छोटे पीसेस में। यहाँ पर मैंने अदरक, हरी मिर्च, किशमिश और काजू को बारीक काट के रखा है, अदरक को ग्रेट करके रखा हुआ है। अब एक पैन में हम 2 चम्मच तेल डाल लेंगे। तेल में हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा। जब जीरा चटकने लगे तो इसमें आप डाल दीजिए बारीक कटी हुई हरी मिर्च, किसा हुआ अदरक, अदरक को हम किस कर डालेंगे। आप चाहें तो छोटे छोटे बारीक पीसेस भी डाल सकते हैं। अदरक से जो आलू की फिलिंग होती है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर और साथ में जाएगा 1/2 छोटी चम्मच सौंफ। अब इन सारे मसालों को आप अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए और फिर जब मसाले मिक्स हो जाए तो इसमें आप डाल दीजिए किशमिश और काजू। काजू को मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है, आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं। ध्यान रखें, मसाला भूनते टाइम गैस की फ्लेम लो रखें। अब इसमें आलू के पीसेस डाल दीजिए जो हमने कट करके रखे हैं और आलू को अच्छी तरीके से मसालों के साथ मिक्स कर दीजिए। अब इसमें हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। मैं 1/2 छोटी चम्मच इसमें नमक डाल रही हूँ और नमक डालने के बाद आलू को अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए ताकि नमक आलू में इवेनली मिक्स हो जाए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ मटर। ये मटर मैंने उबाल लिए हैं और ये मटर बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, तो उबले हुए आप इसमें मटर डालें। इससे ये होता है, जो मटर का जो हरा कलर होता है ना, वो बिल्कुल एज इट इज़ रहता है, वो बिल्कुल भी डल नहीं होता है। अच्छी तरीके से मटर को डालने के बाद आलू को मिक्स कर दीजिए। अब इसमें आप डाल दीजिए ऊपर से कटी हुई हरी धनिया। हरी धनिया को आप बारीक काट के डालिएगा और आप देखिए आपके आलू की जो फिलिंग है वो कितनी सुंदर दिख रही है, जो गरम मसाले की जो खुशबू आ रही है वो कितनी अच्छी आ रही है। तो दोस्तों, ये फिलिंग हमारी बनके बिल्कुल रेडी है। तो चलिए, अब हम इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे सैंडविच। बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 ब्रेड ले ली हैं। ये बिल्कुल सॉफ्ट और फ्रेश ब्रेड ली हुई हैं। अब ब्रेड के ऊपर, एक ब्रेड स्लाइस के ऊपर आप आलू की फिलिंग को अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दीजिए। ये आप अपने चॉइस अनुसार कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा फिलिंग चाहिए तो ज़्यादा डालिए, कम चाहिए तो कम डालिए। दूसरी स्लाइस से उसे कवर कर दीजिए। ये देखिए, एक सैंडविच तो रेडी है। इसी तरीके से मैंने ये 2 सैंडविच रेडी कर लिए हैं। इसे अब हम कर लेते हैं टोस्टर में टोस्ट। यहाँ पर मैंने टोस्टर ले लिया है और उसे गर्म करने के लिए रख दिया है। और ये जो हमारे सैंडविच है इसमें आप ब्रेड स्लाइस के ऊपर बटर को लगा दीजिए। ये जो मेरे पास बटर है ये थोड़ा जमा हुआ बटर है, रूम टेम्परेचर पर है नहीं, ठंडा बटर है, इसलिए ये थोड़ा टाइट है, इसलिए इसके पीसेस में इसमें यूज़ कर रही हूँ। अगर आपका रूम टेम्परेचर पर बटर है तो आप बटर को ब्रेड स्लाइस के ऊपर स्प्रेड कर दीजिए और इस तरीके से आप टोस्टर के ऊपर रख दीजिए। अगर आप टोस्टर में बना रहे हैं तो इस तरीके से बनाइए। अगर आपके पास गैस वाला टोस्टर है तो आपको तो पता ही होगा उसमें कैसे बनाते हैं, और अगर आप तवे पर बनाते हैं सैंडविच तो उस पर बनाइए। और इसे हम अच्छी तरीके से टोस्ट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारे सैंडविच बिल्कुल टोस्ट होके रेडी है। कितना प्यारा कलर आया है इनका, गोल्डन ब्राउन कलर, गोल्डन ब्राउन नहीं, इनफैक्ट गोल्डन कलर। और ये कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे सैंडविच।
तो दोस्तों ये सैंडविच बनके तो बिल्कुल रेडी है। सर्व कीजिए इन्हें टमेटो केचप के साथ या फिर हरी चटनी के साथ, जिसके साथ भी आपको पसंद आए। और अगर आप इन्हें बच्चों के टिफ़िन में रख रहे हैं तो इन्हें पहले अच्छे तरीके से एक वायर रैक में ठंडा कर लें, उसके बाद इन्हें बच्चों के टिफ़िन में पैक करें। अदरवाइज़ ब्रेड तो सॉगी हो जाएगी, स्टीम बनेगी, वेपर प्रोड्यूस होंगे, उसके कारण ब्रेड जो है वो सॉगी हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखें, वायर रैक में कूल करके ही बच्चों के टिफ़िन में पैक करें। तो दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू। America, 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 America,